आज की वीडियो का श्रेय जाता है कुसुम कुमारी जी के इस कमेंट को। इन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी स्मार्ट चैम्प प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट को उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अब जैसा कि इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि 44 महीने प्रीमियम पे कर लिया है, उसके आगे कोई डिटेल नहीं लिखी है, तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लान में बाकी सारी डिटेल तो बताई गई हैं, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, बट सरेंडर वैल्यू क्लियर नहीं थी। तो इस वजह से हम डिटेल अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, जिनकी आयु 30 साल की, उनके बच्चे की उम्र 8 साल की है, तो ऐसे में उन्हें 13 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर वो 5 लाख रुपए का बेसिक सम अजॉर्ड लेंगे तो मंथली 4,237 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे। प्लान में जो बोनस रेट रहा है पिछले गत वर्षों में, वो 3.25% का रहा है, और बोनस का PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर प्लान को लगातार चलाया जाएगा, सरेंडर नहीं किया जाएगा, तो जैसे ही श्रीमान ए का बच्चा 18 साल का होगा, उनको बेसिक सम अजॉर्ड का 25% मिलेगा, और प्लान में जितना भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा तब तक उसका 25% भी मिलेगा। ठीक ऐसे ही जैसे ही बच्चे की उम्र 19 साल की हो जाएगी, अगेन बेसिक सम अजॉर्ड का 25% और जितना भी वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस पॉलिसी टर्म के दौरान इकट्ठा हुआ है, बचा हुआ है, उसका भी 25% मिल जाएगा। सेम ऐसे ही जब बच्चे की उम्र 20 साल की हो जाएगी, यानी कि वो बच्चा नहीं रहेगा, पूरी तरीके से अडल्ट हो चुका होगा, तब भी मनी बैक सेम रेशो के साथ में मिलेगा। जैसे ही बच्चे की उम्र 21 साल की हो जाएगी, तब जाके उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे, जिसमें कि बेसिक सम अजॉर्ड 25%, बेसिक सम अजॉर्ड वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जितना भी इकट्ठा हुआ था प्लान के अंदर बचा हुआ उसका, राइट, और उसके साथ में टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो वो भी पे कर दिया जाएगा, प्लान बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम, G.S.V का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू, ठीक है। टोटल पेड प्रीमियम में गुणा कर देंगे, फिर इसमें हम जोड़ देंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस में, और उसमें से हम घटा देंगे सर्वाइवल बेनिफिट यदि मिल चुके हैं तो। मान लेते हैं श्रीमान ए पॉलिसी के 4 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो ऐसे में 4 साल में टोटल प्रीमियम वो जो पे कर लेंगे, उसे जानने के लिए हम 4,237 में 48 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 12 × 48 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2,03,376 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा, और 4 साल के अंदर जो बोनस इकट्ठा होगा वो 65,000 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का बेसिक सम अजॉर्ड का 3.25% निकाल के 4 का हमने गुणा कर दिया। अब हम वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे, तभी हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे समझ आएगा। 13 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया, 4 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तो ऐसे में 50% हो जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, जो टोटल पेड एनुलाइज्ड प्रीमियम पे अप्लाई होगा। 12 होता है 36, यानी कि पॉलिसी के अगर 3 साल कंप्लीट करने के बाद में सरेंडर किया जाता तो 35% मिलता टोटल पेड प्रीमियम का, राइट, क्योंकि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 35% है, और 4 साल कंप्लीट होने पे, यानी कि 48 महीने कंप्लीट होने पे 50% है। बीच में यहाँ पे कोई रेशो नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही बताई, क्योंकि उन्होंने चार्ट में नहीं दिया ये चीज, राइट। अब बात आती है बोनस के लिए सरेंडर वैल्यू की फैक्टर की, तो यहाँ पे देखिए रिवर्स हमें इसको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग टर्म इन मैच्योरिटी इन ईयर्स, राइट, यानी कि मैच्योरिटी आने में कितने साल बचे उसके अनुसार यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर बोनस होगा। 4 साल कंप्लीट कर लिए, 13 साल बचे थे, 12 साल बचे, 11 साल बचे, और 10 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, यानी कि शुरुआत के 4 साल जब कंप्लीट हो गए तब बोनस का जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर आया वो 12.24% आया बोनस के लिए, ओके। क्योंकि जब मैच्योरिटी को आने में, कंप्लीट होने में 9 साल बचे होंगे, तो उससे पहले यही होगा बोनस पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो हम 50% निकाल लेंगे टोटल पेड प्रीमियम का, और 12.24% निकाल लेंगे बोनस का, जो कि 65,000 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1,09,644 रुपए का गारंटेड सरेंडर वैल्यू इनको मिल जाएगा, और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। बाकी और डिटेल हमने पहले भाग में बता दी है, तो इसलिए सारी जानकारी अब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, प्रथम भाग जरूर देखिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं।
और प्लान का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल से लेके जरूर पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, अपना ध्यान रखिएगा।